नमस्कार सभी को, मैं हूँ नेहा। स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो चंडीगढ़ में जो वैकेंसी निकली है नर्सरी टीचर एग्ज़ाम की, तो उसमें क्या नई अपडेट जो देखने को मिली है। तो सभी के एक ही क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम डेट कब होगी, क्या नई अपडेट है। तो इसी को लेकर जो जैसे कि जो नोटिफिकेशन आया था जब ये वैकेंसी आई थी, तो उस समय एक आपको वेबसाइट जो दी गई थी कि उसमें भी आपने फॉर्म फिल भी उसी वेबसाइट से किया होगा, वहीं पर आपको जो है कोई भी न्यू अपडेट होती है तो वो देखने को मिलती है। तो जैसे इन्होंने एक जो ये वेबसाइट है वो दोनों प्रोवाइड करवा रखी है। कोई भी अगर आपको नेक्स्ट अपडेट जो है होती है तो उसके लिए आपको इन वेबसाइट पर जाकर देखना होगा, ठीक है। ये तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मुझे दो एक नई अपडेट जो देखने को मिली है, तो उसमें देखते हैं। तो उस वेबसाइट पे जो है जो दो नई अपडेट है, तो एक तो जो लिस्ट है वो दो आई है। एक तो जिन जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जो लैंग्वेज फिल की है पेपर के लिए, इंग्लिश और पंजाबी की लिस्ट अलग आई है। जिन्होंने इंग्लिश और पंजाबी जो है एग्जामिनेशन के लिए जो बाईलिंगुअल होने के लिए जो है फिल किया है, और एक जो इंग्लिश और हिंदी की है, एक है इंग्लिश और पंजाबी की। तो इन दोनों में जो लंबी लिस्ट आपको देखने को मिली है, तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने और कितनी जो है आपको कितने लोगों ने जो है फॉर्म फिल किया है। और तो आप ये भी देख सकते हैं सभी की लिस्ट आई हुई, आप अपना नाम भी जो है उसमें देख सकते हैं, क्या डिटेल वगैरह जो सही है या नहीं है वो भी सभी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप खुद वेबसाइट पे जाकर भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं जो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी ये लिस्ट है, तो आप वहाँ पर भी जाके जो है देख सकते हैं। और जो ये वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक बार लिस्ट देख लेते हैं किस तरीके से लिस्ट आई है, क्या क्या इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं आपको देखने को मिली है। तो इससे एक बात तो क्लियर है, जैसे एक एक चीज़ें जो धीरे धीरे क्लियर हो रही है, इसमें लिखा हुआ था कि 10 अक्टूबर के बाद आपको जो है कोई भी नई अपडेट देखने को मिलेगी। जैसे आपको ये नई लिस्ट जो है देखने को मिली है, उसके बाद हो सकता है जल्दी आपकी जो है एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो जाए, तो इसके लिए आप ज़्यादा वेट ना करें। जैसे DSSB की तो अनाउंस हो चुकी है, तो साथ ही साथ मुझे लगता है इससे पहले हो सकती है आपकी एग्ज़ाम जो है, तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। तो एक बार देख लेते हैं लिस्ट जो है दी है। तो ये एक लंबी लिस्ट जो है आई है जिसमें लिखा हुआ है कि जिन्होंने जो लैंग्वेज ली है, लैंग्वेज ऑप्टेड इंग्लिश एंड पंजाबी जो आपका पेपर आना है, जिसमें इंग्लिश में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और पंजाबी में भी, ठीक है। तो इसमें आपके जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, नाम आपका है, फादर्स नेम है आपका, इधर आप कह सकते हैं जेंडर दिया हुआ है, कैटेगरी है आपकी, और PWD है या नहीं है वो सब कुछ दिया हुआ है। तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो यहाँ पर आप जो है अपनी जो अगर आप PDF ओपन करेंगे तो ऊपर आपको सर्च बार दिखेगी, तो वहाँ पर आप अपना नाम जो है सर्च कर सकते हैं। इसमें देख लेंगे कि कौन से नंबर पे है, क्या है, क्या आपकी डिटेल वगैरह जो भी है सही है नहीं है, तो वो भी आप देख लीजिए। तो ये सारी लिस्ट है इसमें सभी लोग जिन्होंने की इंग्लिश और पंजाबी ली है। तो ये भी क्लियर हो गया है कि आपका जो जैसे कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि आपका पेपर जो है बाइलिंगुअल कह सकते हैं कि जब आप चूज़ करेंगे, अगर आपने पंजाबी मदर टंग चूज़ करी तो आपको इंग्लिश के साथ पंजाबी दी जाएगी, नहीं तो अगर आपने हिंदी मदर टंग चूज़ की है तो आपकी जो इंग्लिश और हिंदी आपको दी जाएगी। तो उसमें अब कोई अलग बात नहीं रही है, तो ये भी आपके क्लियर हो गया है। तब आप अच्छे से बिना कोई कन्फ्यूजन के तैयारी कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आपको ठीक लगता है उसमें आप अच्छे से जो भी कंटेंट मिलता है आप उसको प्रिपेयर करें। तो ये पूरी लिस्ट है, तो आप इसमें डाउनलोड करके देख सकते हैं अपना नाम जो भी है। और दूसरी लिस्ट वो है जिसमें जिन लोगों ने अपनी लैंग्वेज जो है क्या फिल की है, इंग्लिश और हिंदी फिल की है, तो उनके लिए भी जो है उनकी भी लिस्ट आ गई है। हमने पहले देखी थी इंग्लिश और पंजाबी की, और ये इंग्लिश और हिंदी की जो है लिस्ट है, तो उसमें भी आप जो है देख सकते हैं अपना नाम जो भी है आपका, तो उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं।
तो अब इसके आने के बाद ये तो साफ हो गया है कि जल्दी आपको जो है नई अपडेट एग्जाम डेट को भी देखने को मिल रही है, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, जल्दी हो जाएगा आपके एग्जाम। आप अपने जो है गोल है, अपनी सिलेबस है, उस पर फोकस कीजिए, उसको कवर कीजिए, और अपना जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें भी आपके वीक एरियाज है, मैथ्स में हो चाहे रीजनिंग में हो चाहे आपको किसी भी सब्जेक्ट में जो वीक एरिया लग रहा है, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अगर आप सभी सब्जेक्ट को अगर 1 घंटा दे रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम की, तो ये तो चीज़ें चलती रहती है, साथ में मेन फोकस आपका होना चाहिए एग्ज़ाम पे। तो उसके लिए मैं बता दूँ, मैंने जो आप पेपर किस तरीके से होगा, क्या सिलेबस होगा, उसके लिए मैंने पहले एक जो बोर्ड ने बताया था वाला मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है। उसके बाद मैंने पूरा पेपर एनालाइज करके जो सिलेबस में दिया गया है, जो भी टॉपिक्स हैं उनको लेके पूरा एनालिसिस करके एक को सिलेबस के सभी टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं कि भाई हिंदी में आपका कौन सा टॉपिक आना है, आपके मैथ्स में कौन से टॉपिक आने हैं। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सके कि आप कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करें, ना कि आप इसके बजाय कि आप ओनली सिलेबस के लिए कोई बुक खरीद के लाते हैं तो वो सही नहीं है। उसके अगर कोई मेन बुक अगर आप बिल्कुल भी ना खरीदें, जिस पर एंट्रीट लिखा हो, आपको जो लगता है कि मेरा वीक एरिया है, उसके लिए आप अलग अलग बुक ज़रूर प्रेफर करें। ऐसा नहीं है कि आप एक बुक के साथ जाएं तो वो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगी, तो मेरा तो कहना यही है। बाकी आपके जो सुटेबल लगता है वो आप कीजिए। तो आप वो वीडियो जो है जिसमें मैंने सिलेबस पूरा डिटेल में बताया है कि कौन सा टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक आपको जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करना चाहिए, साथ ही साथ जो क्लासेस चल रही है वो भी आप डेली देखिए जो भी आ रही है। तो मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, जिसमें आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और पेडागोजी के भी काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे, और कह सकते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की क्लास चल रही है, और इंग्लिश और हिंदी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने टॉप मोस्ट जो रूल्स होते हैं वो भी मैंने जो वीडियोस के अंदर ऐड किए हैं। तो वो जहाँ तक बात है कि सोशल साइंस के लिए और साइंस के लिए आप कह सकते हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो आपके पहले जो पेपर्स में जो जीके में क्वेश्चंस और आए थे सभी, तो आपके पूरे एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, तो आप बिल्कुल भी कहीं ना जाए, एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उनमें आप देखिए, आपको जहाँ से अपना लेवल लगता है आप 6th क्लास की बुक लीजिए, इजीली हो जाएगा। आपको कोई आईएएस के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं आप कि आपको बहुत डेप्थ में जाके अच्छे से मतलब एक एक वर्ड की मतलब एक हिस्ट्री जाननी है, आपको पॉइंट टू पॉइंट देखना है कि अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कोई डेट दी गई है, इस तरीके से कोई नाम बताया गया है, भाई इसने ये प्रपोज किया या फिर ऐसा कुछ बताया हा, तो वो भी नहीं है, तो आई थिंक वही आपको प्रिपेयर करना है। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ तो आप इजीली, अगर आप 6th क्लास की बुक जो ज्योग्राफी की भी अगर लेते हैं तो आप 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, बाद में आप 3-4 दिन बाद उसका रिवीजन भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप बिल्कुल भी देर ना करते हुए एनसीईआरटी की बुक्स को एक बार रिवाइज तो बाद में कीजिएगा, पहले आप पढ़ लीजिए उनको, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको पॉइंट टू पॉइंट देखना है कि क्या लिखा हुआ है कहाँ नहीं लिखा हुआ। आपको जो एनसीईआरटी में आपको पता होगा कि 2-3 पेज तो बहुत सारे आते हैं, जिसमें पिछले के बारे में भी डिटेल्स होती है, जिसमें आप जो बड़े क्वेश्चन लिखने जाते हैं इसमें जो 2-3 लाइंस के होते हैं उनके लिए भी होते हैं। तो आपको बस देखना है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर काम आए, और आप उनको रीड करेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन आपके लिए बेस्ट है। और तो उसके लिए आपको अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप ई लर्निंग का सहारा ले सकते हैं, साथ ही आप जो बुक्स है ई पाठशाला पे, तो वो आप ई पाठशाला जो ऐप है वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप जो भी आप क्लास की जो है बुक देखना चाहते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो आप उसको देख लीजिए। और जैसे 6th क्लास की चाहिए तो आप 6th क्लास की बुक डाउनलोड करके देख लीजिए, 7th की 8th की जो भी आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं, आराम से इजीली पढ़ सकते हैं, कोई आपको क्वेरी नहीं होगी। और इवन उसमें तो इंग्लिश में अगर आप देखते हैं तो इंग्लिश में तो आपको सर्च करने का भी मिल जाता है कि आप पर्टिकुलर जो है आपको नाम भी आप उसमें सर्च कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, तो वो भी आप देखें। तो आप इसके लिए कोई भी शॉर्ट टर्म तरीका नहीं है कि आप कोई भी जीके की बुक उठा के या फिर एकदम क्लियर कर लोगे, तो इससे अच्छा है कि आप एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे तो अच्छा होगा। जीके की कम से कम सोच लीजिए बुक आपको एक पेज की तो मिलेगी नहीं, कम से कम आपको 200 पेज की तो कोई ना कोई बुक मिलेगी, तो आप उसको कितना कवर करोगे। उसमें भी जरूरी नहीं है, बहुत अलग अलग लेवल का दिया हुआ है। आपको पता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप क्यों किसी और जो हो
किसी और बुक के लिए जा रहे थे, आप एनसीईआरटी निकाल लिए, जितना हो सके आपका काफ़ी एरिया कवर हो जाएगा। जो जनरल अवेयरनेस में जीके है वो भी आपके साथ में कवर हो जाएगी, तो आप बिल्कुल भी जो है उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। 3 से 4 आपके आई थिंक जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं वो आपके एनसीईआरटी से क्लियर हो जाएंगे। तो आप आज ही, अगर अभी भी आपने शुरुआत नहीं की है एनसीईआरटी की, तो आज ही शुरुआत कर दीजिए। मैंने बता दिया आपको, पहले भी काफ़ी बार बताया कि एनसीईआरटी आप पढ़ें पढ़ें, तो वो बहुत ज़रूरी है, वही आपको हेल्प करेगी। आप एग्ज़ाम के बाद खुद सोचेंगे कि हाँ, एनसीईआरटी में से मुझे सब कुछ देखने को मिला है। आजकल सब कुछ, जो चाहे वो किसी भी लेवल के एग्ज़ाम हो, आपको एनसीईआरटी में से ही देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें आपको फैक्ट जो है देखने को मिलते हैं। तो आप एनसीईआरटी के पास में ही पढ़िए, उसमें आपको लैंग्वेज भी जो है काफ़ी इजी देखने को मिलेगी, और साथ में आपको जिस भी लैंग्वेज में, लैंग्वेज तो क्या, इसमें आपको 3 लैंग्वेज देखने को मिलती है, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश जो है। तो आपको अगर पंजाबी, अगर आपकी मदर टंग, जैसे जिन्होंने इंग्लिश और हिंदी चूज़ किया है, तो आई थिंक कुछ लोगों को तो पंजाबी समझ आती होगी, पढ़ भी सकते होंगे, लेकिन अगर नहीं आती है तो आप, मुझे लगता है आप पंजाबी में, या फिर जिनको पंजाबी आती है, जिनको हिंदी नहीं आती, तो वो उसमें अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप जो भी, आपने 2 लैंग्वेज चूज़ किए तो उनमें तो अच्छे से कमांड बनाई, ताकि आप जो भी नंबर है, 10 10 नंबर है जितने भी है, तो उनको तो आप अच्छे से कवर कर पाए। साथ में नेगेटिव मार्किंग है तो उसका भी ध्यान रखें। तो मैंने बेस्ट जो सीरीज जो चलाई है इसकी हिंदी की, तो उसमें आप बेस्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। उसमें आपको जो सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप उससे भी जो है एक अच्छा पेस अपना बना सकते हैं हिंदी को लेकर के, कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हर तरीके से आपको एक एक टॉपिक को लेकर, हर सब्जेक्ट को लेकर छोटी छोटी जो है चीज़ें करनी होगी। साथ में अपने मॉक टेस्ट किसी तरीके से ऑनलाइन, चाहे कहीं भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और मैथ्स के अंदर जितना हो सके आप जो है, आपको जो कह सकते हैं टेबल्स तो लर्न होनी चाहिए, ताकि आप कैलकुलेशन जो है टाइम पर कर पाएँ। लेकिन जो कैलकुलेशन अगर आप टाइम पर नहीं कर पाते, माना अगर आपको फॉर्मूला सभी आपने कर लिया, ठीक है, फॉर्मूला अगर आपने कर लिए, फॉर्मूले करने के बाद भी आपने हो गया, अपने पैटर्न भी देख लिया, लेकिन अगर कैलकुलेशन आपकी ठीक नहीं है, तो आपका थोड़ा सा जो टाइम मैनेजमेंट है वो थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे, आई थिंक ऊपर ही होगा। तो इससे अच्छा है कि आप कैलकुलेशन की अभी से प्रैक्टिस करें, माइंड में करें, कि हो सके कहीं भी आप जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो भी आप करते रहें। और टेबल्स तो आपको कम से कम 25 तक तो अच्छे से लर्न होनी ही चाहिए। और ज़्यादातर जैसे हो सकता है 19 पे प्रॉब्लम आती है, तो 19 की आप वो कर लीजिए, 17 की कर लीजिए, इस तरीके से आपको देखना है। कुछ चीज़ें होती है जैसे 19 का आप किस तरीके से लिख सकते हैं, जो पहाड़ा कह सकते हैं, टेबल जो है किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, 9 8 7, फिर इसको कम करते जाना है, और इसको क्या है, आपको जो इसमें दिया हुआ है, जैसे आपने ओड नंबर जो लिखे हैं 1 3 5, अब क्या आएगा, जो आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, एक सेकेंड। तो आपको क्या करना है, पहले आप जो है इस तरीके से गिनती लिख लीजिए, 1 3 5 7, फिर क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि अपन ओड नंबर्स लिख रहे हैं। अब आपको 9 से स्टार्ट करना है, तो उल्टी गिनती लिखनी है, 9 8 7, फिर 6 5, इस तरीके से आप पूरा लिखेंगे, तो आपको क्या ये पहाड़ा या फिर टेबल जो है किसकी दिख रही पा रही है, ये 19 की टेबल आपको दिख पा रही है, ये 19 है, 38 है, 57, 76, 95, तो इस तरीके से आप थोड़ा देख सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगता है उस तरीके से। तो आप कैलकुलेशन में ज़्यादा फोकस कीजिए अच्छे से, ताकि आपको दोनों में ही हेल्प मिल पाएगी, रीजनिंग में भी हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी आपको कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी होती है, तो उसमें भी और मैथ्स में भी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो आप उनको ध्यान रखें, क्योंकि क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो काफ़ी बाद, दिनों बाद जो है एनटीटी के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कैलकुलेशन से इतना ज़्यादा कह सकते हैं फैमिलियर नहीं है, करते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें कैलकुलेशन का। और किसी भी टॉपिक को लेकर, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप मुझे, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना के आपके पास ज़रूर लेकर आऊँगी। और तो और साथ ही साथ टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं जो कोई भी अगर वीडियो अपलोड करती हूँ उससे रिलेटेड, अगर आप पीडीएफ होता है तो मैं पीडीएफ भी वहाँ पर अपलोड कर देती हूँ। कोई भी क्वेरी होती है तो आप डिस्कशन ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, जो भी है। और इसके अलावा पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको रोज़ आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन है टाइम पर मिल जाए, कोई भी न्यू अपडेट हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। और अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप इसी ईमेल आईडी पर भी ईमेल कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही,
सो थैंक यू, ऐसे बने रहिए।